नमस्कार जनप्रभात सुप्रभात में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर हुए हस्ताक्षर। पीएम मोदी बोले द्विपक्षीय रिश्तों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण। भारतीयों के लिए कई वस्तुएं शून्य आयात शुल्क पर होंगी उपलब्ध। समझौते से स्टूडेंट और पर्यटकों का आदान प्रदान होगा आसान। नेपाल के पीएम देउवा ने पीएम मोदी से की अहम मुलाकात। जयनगर से कुर्था के बीच ट्रेन सेवा का किया शुभारंभ। पीएम मोदी ने नेपाल में लॉन्च किया पेमेंट सर्विस सिस्टम रूपे। दोनों देशों के बीच एनर्जी सेक्टर में हुए कई बड़े समझौते। पीएम मोदी बोले नेपाल की शांति समृद्धि का साथी रहा है भारत। नेपाल अपनी अतिरिक्त बिजली भारत को करेगा निर्यात। जेटक हेलीकॉप्टर के डायमंड जुबली समारोह में बोले रक्षा मंत्री का रक्षा के क्षेत्र में हमें अपने कंधों को करना होगा मजबूत। श्रीलंका में आपातकाल के बीच भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। रवाना किया 40,000 टन चावल। खाने का संकट होगा दूर। रूस को पीछे धकेलने के लिए अमेरिका ने बनाया बड़ा प्लान। यूक्रेन को करेगा सोवियत निर्मित टैंकों की सप्लाई। चीन ने अमेरिका पर यूक्रेन युद्ध को भड़काने का लगाया आरोप। का बाइडेन नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन में हो सीज फायर। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी किया वीडियो। का सेना में क्रीमियाई लोगों को भर्ती करने की कोशिश कर रहा चीन। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने दिए राजनीति में बड़े संकेत। पीएम मोदी और सीएम योगी को किया ट्विटर पर फॉलो। कोरोना महामारी के सबसे संक्रामक XE स्ट्रेन का चला पता। WHO बोला कई गुना तेजी से फैल सकता है ये वर्जन। कोरोना कैसे काबू में आया ICMR की वैज्ञानिक ने दी जानकारी। प्रज्ञा यादव बोली टीकाकरण और शोध के कारण पा सके काबू। प्रज्ञा बोली कोविशील्ड और कोवैक्सीन के मिश्रण से मिले अच्छे नतीजे। ओमिक्रॉन के मामले में प्रतिरोधी क्षमता 6 महीने बाद हुई कमजोर। पाक में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले बड़ी संसद की सुरक्षा। 8,000 पुलिस कर्मियों को 2 पालियों में किया जा रहा है तैनात। योगी ने सिद्धार्थनगर से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान किया शुरू। कहा पूर्वज कहते थे रोग के उपचार में महत्वपूर्ण है बचाव। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बेरोजगारों के लिए दी अच्छी खबर। कहा अगले 5 साल में 10 लाख नौकरियां देगी मोदी की सरकार। केंद्रीय संपदा निदेशालय ने कांग्रेस को भेजा कारण बताओ नोटिस। अवैध कब्जे वाले सरकारी बंगले को खाली करने के दिए निर्देश। बजट सत्र के आखिरी सप्ताह में राज्यसभा में पेश होंगे 7 विधेयक। 3 विधेयकों को लोकसभा पहले ही कर चुकी है पारित। नोएडा में पंचशील बिल्डटेक के 1300 फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत। SBI कैप ने फ्लैट निर्माण की दूसरी किस्त की जारी। दिल्ली में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पहुंचे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया। बच्चों के बीच आए लर्निंग गैप को लेकर की खुलकर बातचीत। हरीश रावत और सतपाल महाराज की मुलाकात से सियासत गर्म। रावत बोले जहां दवा होती है वहां जाना मरीज की मजबूरी। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच सीएम ठाकरे ने भाजपा पर बोला हमला। का MBA सरकार के पैर मजबूती से टिके हैं इसे गिराना मुश्किल। UP के बजट में संकल्प पत्र और केंद्रीय योजनाओं की दिखेगी छाप। मुफ्त गैस सिलेंडर और राशन की मिल सकती है सौगात। तमिलनाडु में भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई को मिली 22 श्रेणी की सुरक्षा। खुफिया एजेंसियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर लिया फैसला। जम्मू कश्मीर में फर्जी हथियार लाइसेंस मामले में बड़ी कार्रवाई। ED ने छापा मारकर जब्त की 5 करोड़ रुपए की संपत्ति। पंजाब सरकार के चंडीगढ़ दावेदारी पर भड़के अनिल विज। कहा बच्चा पार्टी को मुद्दों की नहीं है पूरी जानकारी। चंडीगढ़ को लेकर आमने सामने आया हरियाणा और पंजाब। भगवंत मान से सीएम खट्टर ने की माफी की मांग। बीरभूम हिंसा में गिरफ्तार 9 लोगों की होगी फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिक जांच। अदालत में जांच को सबूत के तौर पर पेश करेगी CBI। पंचायत के निर्णय पर अमल में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। का नए वाणिज्यिक विवाद को 1 साल के भीतर निपटाया जाना जरूरी। गाजियाबाद में नवरात्रि के दौरान मंदिरों के पास मांस की बिक्री पर रोक। खुले में नहीं मांस को ढककर ही बेच सकेंगे दुकानदार। भारत के साथ सीमा विवाद पर बोले पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा। का बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए समाधान। राजकुमार राव के पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर लिया कर्ज। अभिनेता ने पुलिस को दी धोखाधड़ी होने की शिकायत। विराट को मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया विकास का केंद्र। बोले पिछड़े वर्गों के हुनर और उद्यमिता को आगे बढ़ा रहा है हुनर हाट। BPL कार्ड दिखाकर हो रहा है कुत्ते बिल्लियों का रियायती इलाज। पशु चिकित्सकों ने भोपाल प्रशासक को दी कार्ड के दुरुपयोग की शिकायत। गुजरात चुनाव में आपकी जमीन तैयार करने में जुटे केजरीवाल। भगवंत मान के साथ साबरमती आश्रम का दौरा कर चलाया चरखा। सुरजेवाला ने पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर पीएम मोदी पर कसा तंज। बोले महंगाई के मामले में धर्म निरपेक्षता का पालन करते हैं प्रधानमंत्री। तमिलनाडु सरकार ने संपत्ति कर में की 150% तक की बढ़ोतरी। स्थानीय निकाय के लिए राजस्व एकत्रित करने में मिलेगी मदद। दिल्ली में निजी दुकानें फिर दे सकती हैं शराब पर 25% तक की छूट। सरकार ने बोतलों पर MRP में छूट के प्रस्ताव को दी मंजूरी।
राजस्थान में बाल संप्रेषण गृह से 6 नाबालिग फरार, जान लेने और मादक पदार्थ अधिनियम के तहत थे आरोपी। देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान ने दिल्ली सरकार को दी सलाह, का पौधारोपण से पहले देख लें कि स्थान उपयुक्त है या नहीं। योगी सरकार के बाद सीएम वक्फ बोर्ड ने भी आजम को दिया झटका, आजम से लेकर रामपुर शाही खानदान को वापस की वक्फ संपत्तियां। शरद पवार ने भाजपा पर लगाया धर्म के नाम पर बांटने का आरोप, बोले समाज में कड़वाहट फैलाने का प्रयास कर रही है भाजपा। पंजाब में बेअदबी मामले में सिख जत्थेबंदियों ने किया बड़ा ऐलान, 6 अप्रैल से नेशनल हाईवे जाम करने की दी चेतावनी। गाजियाबाद में नकाब पहनकर पीएनबी में घुसे 4 बदमाश, दिनदहाड़े हथियार के बल पर लूट ले गए 10 लाख रुपए। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक ने मनाया 4th स्थापना दिवस, बैंक ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत प्राप्त किए लक्ष्य। बुलंदशहर में 20,000 के इनामी बदमाश और पुलिस में मुठभेड़, 4 राउंड हुई फायरिंग, घायल अमन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने इंडो नेपाल रेल योजना का लिया जायजा, उद्घाटन के लिए भव्य पंडाल और लगाए गए बड़े LED प्रोजेक्टर। मुंबई ने टॉस जीतकर राजस्थान को पहले बल्लेबाजी का दिया न्योता, इस मैच में बिना किसी बदलाव के उतरी है रोहित शर्मा की टीम। राजस्थान ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर बनाए 193 रन, जोश बटलर ने आक्रामक अंदाज में लगाया शानदार शतक। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात, नमस्कार।